हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बेसिक सॉसेस के बारे में। ये हमारी क्लासिक फ्रेंच की बेसिक सॉस होती है जिनको कि हम लोग मदर सॉस भी कहते हैं। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, मदर सॉस और बेसिक सॉस दोनों ही एक ही चीज़ है। तो चलिए मैं आपको जो बेसिकली आपको जो हमारी छः सॉसेज है पहले उनका नाम बताऊँगा और फिर हम बताएंगे कि करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम इनको बनाते हैं, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होंगी आगे। तो जो हमारी सबसे बेसिक सॉस है उसको हम लोग बोलते हैं हमारी व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो उसका एक प्रॉपर नेम है वो है इसका बेचमेल सॉस। जी हाँ, जो हमारी दूसरी सॉस है वो है हमारी वेलुते सॉस। ये हमारे चिकन भी हो सकती है या फिश भी हो सकती है, मटन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा वो है हमारा है ब्राउन सॉस। इसके कलर के नाम से आपने जज कर लिया है, इसका कलर होगा ब्राउन। और इसका अगर हम प्रॉपर एक फ्रेंच नेम बोलें और एक प्रॉपर कलनरी नेम बोले तो है स्पैनियल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सॉस है वो है हमारी टमाटो सॉस। जी हाँ, टमाटो से बनती है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है हमारी हॉलैंडाइज सॉस और उसके बाद हमारी आती है लास्ट में हमारे मेयोनेज़ सॉस। तो ये सारी थी हमारी बेसिक छः सॉसेज जो कि आप होटलों में कहीं भी जाएंगे इनसे ही बनती है या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ ऊपर नीचे करके कुछ दूसरा इंग्रेडिएंट डाल के बनाई जाती हैं। इनको जानने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन जो हमारे टर्म्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा ताकि इन सबको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। एक टर्म होता है हमारा रू। रू बेसिकली हमारा मिक्सचर होता है बटर और फ्लार का। फ्लार इसमें हम लोग मैदा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आटा नहीं बोल रहे हैं। फ्लार अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मैदा है। इसमें हम लोग इक्वल क्वान्टिटी में हमारा बटर और फ्लार लेते हैं और हम उसको कुक करते हैं। और जो हमारी सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है हमारी वाइट कलर की। तो जब थोड़ा हमारे मैदे का जो कच्चापन चला जाता है और हमारा जो जो उसका टेक्सचर हो गया वो सैंडी मट्टी जैसा हमारा आता है, तो सबसे पहले आती है हमारी वाइट रू। जब हम उसको थोड़ा और कुक कर लेते हैं और जो उसका कलर है थोड़ा सा आपका मट्टी जैसा होने लग जाता है तो ये होता है हमारा ब्लेंड रू। और जो इसकी फाइनल स्टेज होती है जब हम उसको अच्छा खासा कुक कर लेते हैं और उसमें एक अच्छा फ्लेवर, जैसे कि हम जब हम अपने हलवे के लिए भुनाई करते हैं उसकी, तो उस टाइम उस तरीके का इसमें कलर आ जाता है, तो वो होती है हमारी ब्राउन रू। तो आपको रू की तीन स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए, वाइट रू, ब्लेंड रू और ब्राउन रू। इसके बाद जब हम लोग स्टॉक्स बनाते हैं, हम लोग प्लेन हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होता है हमारा वाइट स्टॉक। लेकिन जब हम हड्डियों को ओवन में या किसी कढ़ाई में या पतीले में भूनते हैं और फिर उसके द्वारा उसका स्टॉक बनाते हैं तो हमारा स्टॉक बनता है ब्राउन स्टॉक। तो ये रू और स्टॉक आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, जब मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारी बेचमेल सॉस की, वाइट सॉस की, तो ये हमारा मिक्सचर होता है हमारे दूध का और वाइट रू का। और इसमें हम अनियंस, क्लोव्स, जो हमारी हर्ब्स है वो सब चीज़ें डालते हैं, सीजनिंग करते हैं इसमें, सॉल्ट, पेपर, नटमेग से। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुक होने के बाद आता है वो होता है हमारा बेचमेल सॉस या वाइट सॉस। इसके बाद जो दूसरी सॉस है वो है हमारी वेलुते सॉस। वेलुते सॉस हमारा जो मिक्सचर है हमारे वाइट स्टॉक का, ये चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, मटन हो सकता है या बीफ हो गया, पोर्क हो गया, कुछ भी हो सकता है। और जो इसमें हम लोग रू ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग ब्लेंड रू। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, साथ में कई सारी हर्ब्स मिलाई जाती हैं, आप लोग वाइन का यूज कर सकते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा हमारा वेलुते, चिकन, फिश, मटन, डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक यूज करें। जी हाँ, जो तीसरा है वो है हमारा ब्राउन सॉस। तो इसमें जो मैं ले रहा हूँ इसमें मैं ब्लेंड आपकी ब्राउन रू ले रहा हूँ और मैं जो स्टॉक ले रहा हूँ ब्राउन स्टॉक ले रहा हूँ। ये जो स्टॉक है मेरा हड्डी जो ब्राउन हड्डियों से बनाए हैं वो चिकन की भी हो सकती है, मटन की भी हो सकती है, बीफ की भी हो सकती है। तो मेरा जो मैं मेरे जो ब्राउन सॉस बनेगी वो आपकी किसी की भी बन सकती है। और जो उसका नाम होगा प्रॉपर होगा स्पैनियल सॉस। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं कोई चिकन की डिश बना रहा हूँ और मेरे को उसमें ब्राउन सॉस यूज़ करनी है तो मैं चिकन की हड्डियाँ यूज़ करूँगा। अगर मेरे पास कोई बीफ की डिश है और मुझे उसके लिए ब्राउन सॉस बनानी है तो मैं बीफ के स्टॉक का प्रयोग करूँगा। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने खाने के अंदर इसे। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉस है वो है हमारी टमाटो सॉस। ये हमारे जो टमाटर्स होते हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, हमारे पल्प हो गया, प्योरी हो गया, फ्रेश हो गया, इन सब के साथ हम लोग वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, लीक, सेलरी, अनियन, गार्लिक का इसमें काफ़ी सारा प्रयोग किया जाता है और ये हमारी बनाई जाती है। साथ साथ इसमें हम लोग कई सारी हर्ब्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा रोजमेरी हो गया, बेसिल इसके साथ बहुत अच्छा जाता है, ऑरिगैनो इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉस है वो है हमारी हॉलैंडाइज सॉस। इसमें जो हमारे एग योक्स होते हैं जिसको कि हम लोग येलो वाला पार्ट कहते हैं,
और हम लोग जो हमारा बटर होता है उसको मेल्ट करते हैं, उसमें जो उसके सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं और फिर इनको आपस में मिक्स किया जाता है। इसमें विनेगर होता है हमारा, पेपरकॉर्न होते हैं हमारे, इसमें आप चाहे तो वाइन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस हो गया, सॉल्ट पेपर हो गया, तो इसके आपस में इसका कॉम्बिनेशन मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये बनती है हमारी हॉलैंडाइज सॉस, जो इसके बाद हमारी जो फाइनल और लास्ट सॉस है वो है हमारे मेयोनेज। सेम जैसे हमने हॉलैंडाइज बनाई सेम वही होता है, पर इसमें बटर की जगह हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल। ऑयल आपका कोई भी हो सकता है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर हो गया, राइस ब्रान हो गया, कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हमारी छह बेसिक सॉसेस। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं या आपके कुछ और कमेंट्स हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने होटल वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।